कुछ किया ही। डॉक्टर संजीव कुमार, इतना तो मौका मिला, ठीक है होता है तो पानी जमा होता, पानी पड़वे करता है तो दूध थोड़े जमा हो जाएगा। मैं माननीय मंत्री, पटना में पहला मौका नहीं है जब बारिश के पानी से लोगों का जीना मुहाल हो जाता है, तो मैं माननीय मंत्री से यह जानना चाहता हूं, समय अतिवृष्टि जब हो जाती है जी, तो इस तरह की स्थिति पैदा हो जाती है सर। यहाँ से बहुत डेवलप शहर है बॉम्बे और दिल्ली जी, यहाँ से भी बदतर हालत हो जाती है, मैं यही सुनना चाहता हूं। इसलिए थोड़ा सा व्यवहारिक रूप से आदमी को इस पर ध्यान देना चाहिए। 12 साल से इनका निर्देश जाता है विभाग का, ड्रेनेज सिस्टम कब ठीक होगा सिर्फ इतना बता दें, पटना का ड्रेनेज कब ठीक होगा, जल निकासी कुछ तो आपका प्लानिंग होगा, शीघ्र हो जाएगा, शीघ्र हो जाएगा। हाँ अच्छा, समाप्ति महोदय, समाप्ति महोदय कि माननीय प्रेमचंद राव ने जिस समस्या की ओर हम आप शासन का और हमारा ध्यान आकृष्ट किया है, उसके लिए हम सब भी चिंतित रहते हैं। लेकिन इस बार आपने देखा होगा कि पदभार ग्रहण करने के बाद लगातार अनुश्रवण और समीक्षा विभाग के द्वारा किया गया, हमारे स्तर से किया गया, और उसका एक अच्छा परिणाम आया कि इस बार उराही पर हमने सबसे ज्यादा जोर दिया, क्योंकि जो इंफ्रास्ट्रक्चर का जो निर्माण है वो अपना उसका अलग महत्व है। लेकिन तत्काल जो एक व्यवस्था मुझे करनी थी कि नालियों का उराही और उसी के कारण, और इस बार आपने देखा होगा कि कम समय में पानी फिर अपने नालियों में चला गया और पानी निकला, लेकिन कुछ जगह हम सबों ने अपने अधिकारियों को लगाकर चिन्हित किया है कि और भी कहां कहां से जल की निकासी किस स्तर पर कर सकते हैं, और उसके लिए हम सब चिंतित हैं, कार्रवाई भी कर रहे हैं, आश्वस्त करते हैं आपको। विभागीय निर्देश 13 साल से सर्वे चल रहा है पटना में, 13 साल ये कम समय नहीं होता है, आप सर्वे कर रहे हैं, क्रियान्वयन कब करें, कब प्लान करेंगे, अभी तक कोई प्लानिंग नहीं बनी है। 14 साल में राम का वनवास खत्म हुआ था, अभी 13 साल हुआ, अगले साल हो जाएगा। आजादी के बाद तो इन्हीं को मौका मिला कांग्रेस राज में करने का, कहां कुछ किया ही। माननीय डॉक्टर संजीव कुमार, इतना तो मौका मिला, ठीक है ठीक। माननीय मंत्री नगर विकास, मैं जल निकासी, अभी प्रेमचंद जी कह रहे थे कि पानी पड़ता है तो पानी जमा होता है, पानी पड़वे करता है तो दूध थोड़े जमा हो जाएगा। मैं माननीय मंत्री से मैं आग्रह करना चाहता हूं कि जो वाटर लॉगिंग होता है उसका कारण ड्रेनेज सिस्टम चौक नहीं है, आपका जो लिफ्ट करके गंगा में पानी जो ले जाते हैं वो, या अन्य नदियों में लिफ्ट, पटना का पानी लिफ्ट करके ले जाना पड़ता है, स्वतः ड्रेनेज नहीं होता है, तो वो जो वहां स्टैंड बाई स्टैंड लगा हुआ है मोटर और पंप, वो इनके अधिकारी तब स्टार्ट करते हैं जब बारिश खत्म हो जाता है। ये इस पर ध्यान, चूंकि हम लोग बचपन से यही रहे हैं, जब बारिश स्टार्ट हो तभी इनका एक स्टैंड चालू हो जाना चाहिए, जब वो स्टार्ट करता है तो वाटर लॉगिंग निकल जाता है, और जब स्टार्ट नहीं करता तो वाटर लॉगिंग हो जाता है, इस पर ध्यान देने की जरूरत है। साप्ति महोदय, हमारे माननीय सदस्य ने चिंता जाहिर की है, लेकिन हम सदन को जानकारी देना चाहते हैं कि इस बार जो जून में जो काफी अतिवृष्टि हुई और हमने अधिकारियों को निर्देश दिया कि मोटे तौर पर रात्रि में वर्षा इस बार ज्यादा प्रारंभ हो जाया करती है थी, तो रात से ही उसको सम्प हाउस के पंप को चालू करवाया गया, इसीलिए आज इस बार बहुत कम समय में पानी की निकासी हुई है। लेकिन माननीय सदस्यों ने जिस चिंता को व्यक्त किया है उसके प्रति हम और हमारी सरकार गंभीर है, और उन्होंने जो बेहतर सुझाव दिए हैं उसको अंगीकार किया जाएगा।